क्या समझ में आती कि ऐसा कोई गीत जैसा ये है जब लता जी के कंठ से होता हुआ आता है तो उसमें कोई बदलाव आता है या कोई एक्सप्रेशन बदलता है या कोई और चीज नई उसमें निकल कर सामने आती है? कई बार आपने ऐसा महसूस किया हो? बहुत बदलाव आता है, जहाँ स्त्री आती है तो बदलाव होता ही है। जरा लाइट्स फिर से ऑन कीजिए, क्योंकि अब मैं जो कहने जा रही हूँ एक शाश्वत सत्य है। देखिए, एक ही चीज, एक ही घटना अगर पुरुष कहता है और उसी घटना का वर्णन अगर स्त्री करती है तो उसमें काफी फर्क होता है। एक ही घटना अगर बतानी हो, कौन सी भी, मतलब एकदम सिंपल है, बाजार से जाके सब्जी लानी है, आप एक सब्जी लेने के लिए गए लेकिन वो सब्जी नहीं थी, शायद आप मेथी लेने गए लेकिन मेथी नहीं मिली, आपको पालक मिला, तो एक पुरुष कैसे इसे बयां करेगा? तो मैं बाजार में गया था, मेथी अच्छी नहीं थी, मैंने पालक में उठा लाया, 3 सेंटेंस। और इसी घटना को अगर एक स्त्री बताती है तो कम से कम 40 सेंटेंस, कम से कम। देखिए सच है ये, लाइट लगा भैया चेहरे पर शो हो जाए। जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं, हम इतने तो स्पोर्ट हैं कि हम ये एक्सेप्ट करेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम में एक बेसिक डिफरेंस है, वो हार्मोनल भी है और एक निसर्ग का ही एक डिफरेंस है प्रकृति, कि हम इंटेंस हैं, ज़्यादा इमोशनली इंटेंस है स्त्री जो है। इसीलिए वो जब एक घटना कहती है तो मिर्च मसाला उसमें लगेगा ही लगेगा। इतनी सीधी बात नहीं कहेगी, वो कहेगी मैं मेथी लेने के लिए गई थी लेकिन आजकल उसके पास मेथी रहती कहाँ है, मैंने कब से सोच के रखा था कि मैं आज मेथी मटर बलाई बनाऊंगी, अरे इतने सब पूछा किसने आपको, क्यों ये एक्स्ट्रा मैटर आप डाल रही है? सही बात है। अच्छा, आज वो उस जगह पे था ही नहीं, वो खड़ा रहता है, खड़ा रहता है हमेशा, मैंने बोल के रखा था जब अच्छी आएगी तो मुझे बोलना, वो भी इतनी सारी स्टोरियां, एक स्टोरी के पीछे इतना क्यों होता है? क्योंकि हम में वो फर्क है। इसलिए पुरुष जब एक घटना का वर्णन करता है तो बिल्कुल सटीक सीधा होता है, विचार सीधे साधे होते हैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों के छाव में रहने दो, सीधा सिंपल है। तो रवि साहब गाते भी हैं, उसमें भावना जरूर है, रोमांस जरूर है, लेकिन एक सिंपलिसिटी है कि हो गई मोहब्बत, अब मैंने कह डाला, इजहार कर दिया, अब जो होना है। प्रसन्न जी हमें अब सुनाएंगे, पहले तो एक लाइन सुनाएंगे, बाद में पूरा गाना आपसे सुनना है, छोड़ेंगे नहीं ऐसे। लेकिन एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है, सिर्फ साइन क्रॉस लाएंगे ऐसे आगे। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की जान रहने दो, एहसान तेरा होगा। बात कही भी लेकिन बहुत रोमांटिकली कही, लेकिन सिंपलिसिटी थी, स्त्री इतनी सिंपल नहीं है। वो कहेगी, देखिए महिला आरक्षण हो गया है, बोलना मत बोलो सर। उसे और घुमाओ, देगी गोलाई, देगी घुमा फिरा के, बहुत कुछ मिर्च मसाला डाल के वही बात कहेगी। जो मेन थी वो रफी साहब में नहीं थी, स्त्री कह रही है, दिल चाहता है वो कहने दो। अब रफी साहब के सुर से एक सुर ऊपर चली गई, रफी साहब कहते हैं कहने दो, लता जी कहती है कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत
जिंदगी की चाशनी थी उसने। सही है। इस प्रकार मैं जानती हूँ, मानती हूँ कि ये जो है ना वो सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक तज्ञ है दुनिया। सही जानती है, स्त्री कैसे कहे एक ही बात। और ये आप किसी भी गाने में रिमझिम गिरे सावन लीजिए और कई सारे जो ऐसे गाने हैं, लता जी गाती है तो अलग। पहले भी यूं तो बरसे थे मावे, पहले भी यूं तो भीगो था जे, ला 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 ला। पहले भी यूं तो बरसे थे मावे, पहले भी यूं तो भीगो था जे, की बरस सुने सुने जाए भी आज इस मौसम में लगी कैसी रिमझिम गिरे सावन। मैंने सोच रहा था महिला सशक्तिकरण की बात ज्यादा हो रही तो अपना पक्ष भी रख दूं, तो सीधा सिंपल इसलिए भी गवाया जाता है मेल वॉइस से, ज्यादा हो और मेलोडियस कर ले तो उसके कई कई अर्थ भी लगा लेती है वो, ये भी चक्कर रहता है। तो सीधा कह के बात खत्म करो भाई, ज्यादा प्रश्न ना उठे, ज्यादा जिज्ञासा।